मध्य प्रदेश में अब गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में गौ माता के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की। 1962 नंबर डायल करने पर ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में कहा कि हमने पिछले चुनाव में जनता को जब हमारा संकल्प पत्र जारी किया था तब ये कहा था कि हम गौ माता के लिए भी एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करेंगे। अब गौ माता के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ कर दी गई है। आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी जहां गौ माता बीमार है। गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का यह कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हजारों साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाने, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में वही समाये हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी सरकार ने गौवध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई गौ हत्या जैसे जघन्य काम में लिप्त पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने लाया है। साथ ही गौ परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कारावास की सजा का प्रावधान है। वैध परिवहन जारी रहेगा, लेकिन गौ माता की हत्या करके उसे दूसरी जगह ले जाने का अवैध परिवहन यदि कोई करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई अवैध परिवहन करेगा गौ माता को काटने ले जाने की दृष्टि से, तो उसका परीक्षण करके वैध परिवहन जारी रहेगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह गौ माता को या गोवंश को ले जाना पड़ता है। लेकिन अवैध परिवहन कोई करेगा तो अब उसका वाहन राज साथ कर लिया जाएगा, ये कानून हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब हम गाय के गोबर से CNG बनाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में जगह जगह गोवर्धन प्लांट लगाए जाएंगे। गौशाला को लाभकारी बनाया जाएगा, इसके लिए हम बजट भी बढ़ाएंगे। भले ही कितने पैसे लग जाएं, लेकिन हम गौ माताओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनके पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। गाय के गोबर से CNG बनाई जाएगी, CNG मतलब गैस, जिस पर रोटी भी बनेगी। और जगह जगह हम गोवर्धन प्लांट लगाएंगे जिससे गोबर खरीदेंगे, और गोबर खरीद के उससे हम CNG गैस भी बनाएंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।